इसको सॉल्व करके बी का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल, और इसे मैं उतार दूंगा एज इट इज सेम टू सेम। ये इनटू है ना, रॉन्ग हो गया थोड़ा, फिर से प्लस बी, बी है इनटू बी है। ठीक है, यहाँ पर मैं प्लस दे दिया था, यहाँ भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बराबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है छुपा हुआ। ठीक है, शुरू में कुछ नहीं रहता है तो एक छुपा रहता है, आप दीजिएगा फिर भी ठीक है, नहीं दीजिएगा फिर भी ठीक है। ठीक है, तो ये है, ये भी एक छुपा हुआ। ठीक है, और चिन्ह यानी कि साइन में कुछ नहीं रहता है तो प्लस छुपा रहता है। क्लियर, यहाँ भी एक छुपा हुआ है, मैं नहीं दूंगा। अच्छा दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस छुपा हुआ है, और दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है, दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है तो गुना रहता है। ठीक, तो प्लस 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 सब तो प्लस है, तो एक दो तीन, तो सबको जोड़ के कितना हो गया, तीन भी हो गया ना। चलिए फिर यहाँ पर बराबर, अब देखिए गुना में पावर जुड़ता है तो बी बी बी, इसको बेस या आधार बोलते हैं। ठीक है, इसका पावर कुछ नहीं तो एक है, ये भी बेस या आधार हुआ। इसका पावर यानी कि घात यानी कि एक्सपोनेंट यानी कि इंडेक्स कुछ नहीं है तो एक है, इसका भी एक है। क्लियर, तो कितना भी बी रहेगा, मुद्दा ये है, पॉइंट ये है कि बेस आधार तो सेम है ना, तो एक भी दे देंगे। और गुना में पावर जुड़ता है एक दो तीन, तो यहाँ पर तीन दे देंगे। ठीक है, अब इसके आगे दो तरीका है, तो मैं दोनों तरीका बताता हूँ। ठीक है, चलिए मैं जो इसे जो है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तीन बी और ये बराबर है तो बट्टा ये बी का पावर थी, ऐसे लिख सकता हूँ बराबर एक, कोई इशू नहीं, आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे मैं एक भी दे सकता हूँ, अब इसको तोड़ के ऊपर का गया तो मेरा सवाल सही नहीं तो गलती। ठीक है, तो आराम से आएगा तीन बी को, देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऐसे करके, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, देखिए आया ना। तो तीन बी को एक से गुना करेंगे तो देखिए तीन बी, बी थ्री को एक से गुना करेंगे तो बी थ्री, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि वज्र गुणन करने पर। ठीक है, वज्र गुणन करने पर, कोना कोण गुना करने पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे समझो, देखिए दो बराबर तीन है, दो बराबर तीन, इसे आप ऐसे लिखते हैं ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में एक दे सकते हैं। देखिए नीचे को तोड़ के ऊपर का आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो को एक से गुना किया दो, तीन को एक से गुना किया तीन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको तोड़ के ऊपर का आएगा, यहाँ पे एक ही होगा, एक के अलावा कुछ दूसरा चीज नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं ऐसे दे देता हूँ, मान लीजिए पाँच दे देता हूँ, लेकिन दो को एक से गुना किया तो दो तो आ गया, लेकिन तीन पाँच पंद्रह है तो तीन, तो गड़बड़ आ गया। ठीक है, इसलिए एक ही होगा, तो तीन बी को एक से गुना करेंगे तो तीन बी, अब बी थ्री को यानी कि बी के पावर तीन को एक से गुना करेंगे तो बी का पावर तीन बराबर देंगे। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तीन गुने बी, बी कितना बार है, तीन बार, बी गुने बी गुने बी। क्लियर, बराबर कितना हो गया, एक। अब इसे कैंसिल कर देंगे, कट गया, कट गया, अब दोनों कटेगा। ठीक, अच्छा क्या बचा ऊपर में, थ्री। अब फिर यहाँ पे एक है पावर, एक है पावर तो दो भी है, तो एक भी, अगर हमें पावर जोड़ता है तो एक ही कितना हो गया, दो हो गया, बराबर कितना हो गया, एक हो गया। क्लियर हो गया ना, अच्छा यानी कि बी तीन बार है ना, एक दो तीन, ई बी से ई बी कट गया तो तीन, तो दो भी है तो एक भी, एक और एक कितना हो गया, दो हो गया। अब बी थ्री को ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बी स्क्वायर अगुने बी। ठीक, कट गया कट गया, फिर भी तो बी स्क्वायर होता ना। ठीक, तो बी बी तो बी और एक एक को गुना किया तो दो, क्योंकि सेम है तो गुना में पावर जुटेगा। ठीक है, बी बी सेम है तो एक एक दो हो गया। ठीक, अच्छा फिर यहाँ पर नीचे हम कुछ नहीं देख, नीचे हम कुछ नहीं देख, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है तो ऊपर। ठीक है, बी स्क्वायर को एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर तीन को एक से गुना करेंगे तो कितना हो गया, तीन हो गया। क्लियर, अब यहाँ पर बी का वैल्यू निकालेंगे, ये जो स्क्वायर हो गया यहाँ पर रूट हो गया, थ्री हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर प्लस माइनस छुपा रहता है, एक बार प्लस में रूट थ्री हो जाएगा और एक बार माइनस में रूट थ्री हो जाएगा। क्लियर, बात समझे कि नहीं समझे, ऐसे। ठीक है, यानी कि एक बार क्या यहाँ पे है ना, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर इधर गया ना, रूट हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस छुपा रहता है। ठीक है, तो प्लस देखिए, तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में रहेगा ना, ऑप्शन में रहेगा ना, तो दोनों मत खोजने लगिएगा, एक भी रहेगा ना, जैसे कि मान लीजिए ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ऑप्शन ए,
रूट 7 रहेगा, कुछ भी रह सकता है, ठीक है, ऐसे करके रहेगा। फिर मान लीजिए 3 रहेगा यहाँ पे, इस टाइप का रहेगा, 3√3 रहेगा, कुछ भी रह सकता है। इसमें टिक मारिएगा, ये मत खोजने लगिएगा, तो ये रह सकता है या ये रह सकता है, दोनों मत खोजने लगिए, एक भी रहेगा टिक मार दीजिएगा, क्योंकि ये भी रह सकता है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए किया, ठीक है। कितने पर्सन ऐसे भी इसको बना देते हैं, ठीक है, तो भी इधर गया तो √3 हो गया, यानी कि एक आंसर हो गया, ठीक है। और मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैंने आपको प्लस माइनस दे दिया, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूट रहेगा तो प्लस माइनस छुपा रहता है, ठीक। चलिए सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड देखिए 3b बराबर, यहाँ से मैं बताता हूँ सेकंड मेथड, ठीक है। ऐसे देखिए 3 यहाँ पे √b, अब फिर बी कितना बार है, 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, ठीक है। इससे ये कट गया तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा, ठीक है, b² इधर आ जाएगा, तो √3 बराबर b आंसर हो गया, ठीक है। अब अभी मैंने बताया प्लस माइनस छुपा हुआ, क्लियर, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक। नहीं तो आप एक तरीका और है थर्ड मेथड, थर्ड मेथड क्या है, 3b बराबर बी का पावर 3, बी हटाने के लिए नीचे में बी से भाग कर दीजिए, कर गया, फिर यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, 3 में से गया तो 2 हुआ ना, तो फिर यहाँ पे 3 बराबर bs2। अब तो मैं इसके आगे यहाँ पे बताया हूँ ना, ठीक है, कैसे भी करके बना सकते हैं।